आ है कि जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में पेंडिंग है और यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बगैर मैं कहां ऐसे ये बिल लेकर कैसे एक मिनट बैठ जाओ भाई। आप एक बोल देना। नहीं, हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। सुरक्षित चेयर पे, चेयर पे नो कोई डिस्टर्बेंस। माननीय गृह मंत्री जी, रिक्वेस्ट है कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं संसद के पटल पर बोलूंगा तो रिकॉर्ड पर जाएगा। मेरा इनसे निवेदन है, कृपया वो रिपीट कर दे कि वो क्या कहना चाहते हैं। भले दो मिनट सदन का व्यय हो साहब, ये बहुत जरूरी है, ये जरा रिपीट कर दे। सर बड़ी बड़ी खुशी है सर, अमित शाह जी बड़ी खुशी। मेरा ये जानना, मैं शंका में हूँ क्योंकि आप कहते ये इंटरनल मैटर है, हो गया। आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 से 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो का इंटरनल मामला है नंबर वन। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो का इंटरनल मामला था, ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या कि जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धाजिया उड़ा के हमें समझना चाहिए, हम तो जानना चाहते हैं। अरे आप गलत कर रहे हैं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहा है। I want the entire Congress party to be enlightened by you. It is a fundamental question. I want to be enlightened. गलत फहमी मत करिए। आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि कांग्रेस देश की हित नहीं चाहते, ऐसा माहौल मत खड़ाइए।